मेरा सब चीजें एक तरफ, सारे मैकडॉनल्ड्स केएफसी के सब बर्गर एक तरफ और अंडे वाला बर्गर एक तरफ, और एरा खाना नहीं दे रही मेरा उनको। एरा तंग नहीं करो। अलग लुक लग रहे हैं ना ये सारे, आप ऐसी वैसी पहनते रहते बस सिंपल सिंपल। अब ये है कहीं आप हाँ वाली हाँ अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मैं आपको थोड़ा जो बातें शेयर करने वाली हूँ उसमें से ये बातें, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मेरा बिजी घुस रहा, हद से ज़्यादा मसरूफ घुस रहा है मेरा दिन। और प्लस इरहा ने आज बिला वजह पर इतना ज़्यादा मुझे तंग किया, इतना ज़्यादा तंग किया, इतना ज़्यादा तंग किया कि पूरे दिन के बाद अभी शाम में 7 बजे सोने लेट लिए। तो अब मैं मतलब एक सबसे मेन मसला जो होता है ना बच्चों को, ये होता है कि बच्चे खाते नहीं है, इस पर मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हूँ कि किसी तरीके से ही खा ले, लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं खाना। तो खैर और तो मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, तो मैंने बोला मैं इसको जॉर्ज को इसमें इसकी दादी को देकर आ जाओ बस। तो फिर ना मैं ना अम्मी को देकर आ गए, मम्मी ने बोला क्या होगी, मैंने कहा अम्मी परेशान कर दिया ना, कुछ खा रही है ना ही कुछ, मतलब एक होता ना उलझन, बच्चे बिला वजह का चिड़चिड़ करते रहना, बिला वजह का तंग करते रहना, तो ये सब कुछ हो रहा था। तो खैर फिर अम्मी आई, मैंने कहा हाँ देखो तुमने नहीं खाया ना तो अब तुम्हारी बच्ची भी नहीं खा रही, तुमने नहीं खाया ना तो, क्योंकि इरहा के टाइम पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो अम्मी कहती हैं कि जो ना जब माँ खा रही होती है ना तो समझो उसके बाद जो बच्चा जो होता है ना मतलब तो वो खाता पीता है, तो मुझसे तो खाया नहीं जाता था कुछ भी। तो अब इरहा भी नहीं खाती बिल्कुल भी। तो एक तो मेरी सबसे बड़ी ये टेंशन है, ऊपर से उसके बाद ऐसा कुछ बस ये सब सारी मेन वजह यही होती है कि इसको खाना कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा उलझता है। मेरा दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता है कि खा नहीं रही, इसको मैं अब क्या खिलाऊंगी, मैं यही सोचती रहती हूँ। तो ऐसे कर करके ऐसा लगता है आधा दिन तो मेरा यूं ही गुजर जाता है कि जब ये खाती नहीं। सो आज की जो हमारी आउटिंग थी वो थी कि हमें गिफ्ट लेना था मेहरान के भतीजे के लिए, मेरे भतीजे के लिए, अयान की बर्थडे 19 अक्टूबर। तो हमें उसके लिए गिफ्ट लेना था, हमें उसको सरप्राइज़ देना था। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर आ गए थे, अम्मी भी, सुफियान भी और भाई भी लेकर आ गए थे, मैं और मेहरान रह गए थे। तो हम वेंसडे को गए थे मैग्नेट मॉल, क्योंकि हमने सोचा कि अपने करीबी मॉल ही चले जाते हैं, देर क्यों करें, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, हम काफ़ी रात में निकले थे और मॉल की टाइमिंग भी 11 बजे बंद हो जाती है। तो हम जल्दी जल्दी से सिलेक्शन कर रहे थे यहाँ पे कि मैं क्या लूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई ड्रेस ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि टॉयस तो इतने सारे भरे पड़े हैं माशाल्लाह इन लोगों के पास, और ये होता है कि टॉयस तो आते ही तोड़ देते हैं, कभी इधर पड़ा होता है उधर पड़ा होता है। तो मैंने ये सोचा मैं उसके लिए सूट ले लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसके लिए सूट ले रही थी और साथ साथ मैं इधर के लिए कपड़े ले रही थी। मुझे नाइट सूट दिखे थे, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, काफ़ी टाइम से मैं सोची इसलिए नाइट सूट लेके आऊँ, लेकिन नाइट सूट का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा नहीं होता, इरहा के साइज़ का नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके उसके लिए नाइट सूट ले लिया। और एक से लेकर 2 साल तक के थे और 2 से लेकर 3 साल तक के थे, तो जो इरहा के लिए काफ़ी बड़े होते। अच्छा, गर्ल्स के जो थे वो ज़्यादा काफ़ी बड़े थे, बॉयज़ के फिर भी छोटे थे। तो मैंने जो इरहा के लिए नाइट सूट लिया है मैंने बॉयज़ का लिया है वाइट कलर में, मेरा बस बहुत दिल चल रहा था लेने का तो मैंने बस ले लिया। और बाकी जो मैंने उसके कपड़े लिए थे मैंने बाकी करीमाबाद से ले लिए थे, यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा खास समझ में नहीं आ रहे थे कपड़े, बस मैंने अयान का गिफ्ट लिया, मेहरान ने अपनी शर्ट्स वगैरह ले ली थी और बस यहाँ पर मैं सूट ले लिया था। Them.
फाइनल सिलेक्शन हो चुकी थी बच्चों के कपड़ों की, अब बस मेहरान अपने अपने कपड़े ले रहे थे। चलो तो फाइनल सिलेक्शन हो चुकी थी। ये अच्छी लग रही। मेहरान में टैग, हाँ ये अच्छी लग रही है। नेवी ब्लू भी पहन के दिखाओ। अलग लुक लग रहा है ना ये। सारे आप ऐसी वैसी पहनते रहते बस सिंपल सिंपल। अभी ये क्या, मैं इनकी चाट अपने कोचिंग टाइम से खा रही हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ग्रेजुएशन में, हम सब दोस्त यहाँ पर आते थे और अब भी मैं यहाँ की चाट खाती हूँ। बड़ी मशहूर चाट है, मेरी फेवरेट है करीमाबाद की। क्या नाम है? मोहम्मद अरफान। नहीं इसका शाहिब। अच्छा बहुत मजे की चाट होती है, आप लोग भी आके जरूर खाइएगा। ये इन्होंने मुझे चाट बना के दे दी, मज़ेदार और चटपटी। और मैं अपने लिए बर्गर ले रहा है, इधर मेरा बैग खा रही है। मेरा सब चीजें एक तरफ, सारे मैकडॉनल्ड्स KFC के सब बर्गर एक तरफ और अंडे वाला बर्गर एक तरफ, और मेरा खाने नहीं दे रही मेरे रान को। इधर तंग नहीं करो। कैसा है मेरा? फैंसी ऐसा नहीं है, मुझसे अपनी चाट ही खत्म नहीं हो रही है।